दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तनु ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलो, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे ससुर जी का बर्थडे है और पापा जी बहुत हैप्पी है। आदरणीय ससुर जी, मम्मी भी देखो क्या बना रही। चलो आ गए, फिर स्टार्ट करो। हैप्पी बर्थडे, देखो यहाँ भी देखना भी। हाँ, यहाँ देखो अभी बोर्ड पर भी लगा दिया। इसी में निकाल का बर्थडे। हेलो गाइस, देखो हमारे घर में इतने बड़े बड़े केले भी होते हैं हमारे गांव में, और हमारे गांव के फेमस मूली, मूली कहाँ है रितु? ये देखो, नॉट मूली, मूला। ये हमारे गांव की फेमस मूले हैं, चैनपुर के मूले। और आंखें भी है देखो, हाँ। और ये कद्दू भी दिखाते हैं रितु, जरा कद्दू दिखाना। ये देखो कितने बड़े बड़े कद्दू, कितने बड़े बड़े कद्दू हैं, ओह माय गॉड। और ये ककड़ी भी है, ओके रितु। और ये स्क्वाश भी लगे हैं। हमारे गांव में हर चीज उपलब्ध होती है, हर मौसम में हर चीज मिल जाती है। और अब आपको लेके जाती हूँ मैं अपने केले के पेड़ दिखाने के लिए। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, जो ये केले हैं ना, इनका पेड़ दिखाने जा रही हूँ मैं। ये देखो, ये हमारे केले के पेड़ हैं। देखो कितने खूबसूरत केले के पेड़ हैं। इन पे जो अभी हमने आपको केले दिखाए थे ना, इन्हीं पेड़ों में लगे थे। अभी वो पेड़ तो कट गया, पर ये अब इन पे आप दोबारा आएंगे। और ये देखो कितना मस्त मौसम हो रखा हमारे गांव का। धूप लग रखी है, थोड़ा सा हल्की फुल्की ठंड लग रही है, धूप है, बड़ा मस्त लग रहा है, शुद्ध वातावरण। और ये हमारा घर है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपना घर। ये हमारा घर है, ये पापा जी की दुकान है, ये पापा जी की दुकान है। दिखाती हूँ क्लोज करके आपको, ये है पापा जी की दुकान। और पापा जी ने यहाँ पे आलू की बोरी भी रखी है, और ये पेटी किस चीज़ की होगी पता नहीं, लहसुन रखा है इसमें शायद से। ये अंडे रखे हैं, और ये पता नहीं क्या क्या रखा है, स्कूल की नोटबुक्स वगैरह हैं, और सोन पापड़ी है, पता नहीं मिठाई उठाई सारी चीज़ें पापा जी सारी चीज़ें रखते हैं वैसे। और ये चीप्स चूप्स, आज मेरी बेटी बैठ रखी है यहाँ पे आज कल। और ये मम्मी ने छीमी, छीमी होती है जिनकी दाल बनती है। और ये मम्मी ने लगा रखे हैं आलू, गांव के आलू, इनकी खिचौनी बनती है, बहुत सुंदर होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आलू की खिचौनी भी। ये मूली है, ये है मूली, ये है कद्दू, इस पर कद्दू लगा था, अब तोड़ दिए। जो हमने आपको दिखाए थे बड़े बड़े कद्दू, वो इन्हीं पे लगे थे, तो अब हमने तोड़ के अंदर रख दिए हैं, सब्जी बनाएंगे उनकी। और ये देखो, ये गांव है, कितना सुंदर लग रहा, कितना सुंदर नज़ारा है, नाइस व्यू। ये लोग हैं काम करने वाले, आजकल यहाँ काम चल रहा, पानी की गर्मियों में दिक्कत हो जाती है तो लोग काम करते हैं।
दिक्कत हो जाती है, तो आजकल लोग आ रखे हैं यहाँ, बजट आ रखा पानी का। ये पाइप है, अब थोड़ा वो समस्या भी दूर हो जाएगी गाँव वालों की, तब बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पानी की भी कमी नहीं रहेगी। ये स्कूल है हमारे घर के ऊपर, ये स्कूल का गेट है जो दिख रहा है। और अब मैं लेके जाती हूँ आपको स्कूल में, कितना बड़ा ग्राउंड है स्कूल का, वो भी दिखाती हूँ आपको। चलो तब दिखाती हूँ। यहाँ पे किसी बुआ ने छन्नी बना रखी है, गौशाला है जिसमें गाय रहती है। और दिखाती हूँ मैं आपको अंदर जाके, अंदर तो शायद से उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो फिर भी बाहर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये छन्नी बना रखा है गाय की, गाय का रहने का घर। अभी गाय तो शायद से जंगल जा रखी है अपने दाना पानी खाने। तो मैं आपको स्कूल में, स्कूल दिखाने भी मैंने आपको गेट दिखाया था ना स्कूल का, तब दिखा। ये आएगा हमारा पानी का टैंक, इसमें पानी इकट्ठा होता है और तब गांव वाले इससे पानी ले जाते हैं। ये देखो हमारे पानी का टैंक है स्कूल, हमारे गांव का स्कूल। यहाँ से मेरे हस्बैंड पढ़ा था, बट मेरा तो ये ससुराल है। ये स्कूल का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जाने का, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा, हरा भरा चारों तरफ से, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चे आते हैं शायद से, ये स्कूल का ग्राउंड है और इन्होंने नेट भी लगा रखा है, शायद से वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे, पर यहाँ शाम को आते हैं खेलने के लिए। बहुत भीड़ लगी रहती है, देखो चारों तरफ से चीड़ के पेड़ हैं, वो आप कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा। देखो ये हमारी स्कूल है, आ गए हम अपने स्कूल में। ये हमारा स्कूल है, ये देखो गाइस कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा है स्कूल भी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा है। ऐसा नहीं है कि गंदगी वगैरह कर रखी होगी, अभी आजकल तो छुट्टियां पड़ रखी हैं, बच्चे घर में हैं, तो टीचर्स भी शायद से अपने गाँव घर चले गए, तो कोई है नहीं यहाँ। और ये अखरोट का पेड़ है जो सूख रखा है, हमारे यहाँ अखरोट भी होते हैं, ये अखरोट का पेड़ जो सूख रखा है। स्कूल का शौचालय है, देखो बच्चों का, यहाँ शायद से इनका ये किचन है स्कूल का, बच्चों के लिए खाना वाना बनता है यहाँ। देखो पेड़ कितने घने पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। गाइज हमारे गांव कभी आना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप भी बोलोगे कि वाकई में यहाँ बहुत अच्छा है। ये देखो खेत, देखो हमारे यहाँ काफल भी होते हैं मई जून में, और बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं खाने के लिए, हम भी खाते हैं। अभी तो कहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, काफल तो है नहीं, वो तो गर्मियों में ही पकते हैं। ये हमारा अमरूद का पेड़, छोटा सा पेड़, देखिए देखिए कितना छोटा पेड़ है, इसमें अमरूद लगे हैं बहुत सारे, दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके। वाव ये कितने सुंदर है, ये देखिए इतना छोटा से पेड़ में कितने सारे अमरूद लग रखे हैं। ये मम्मी ने ये जो बेल जा रखी है, ये है करेले की बेल, मीठे करेले, इनकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है इनकी सब्जी। ये हमारा मौसमी का पेड़ है, कितने सारे मौसमी लगे हैं इस पर, देखो। आपको भी खाने हैं तो मुझे बताना, मैं आपके लिए भेज दूँगी। ये हमारा पपीते का पेड़, ये हमारा छोटा सा आम का पेड़ है, अभी इसमें आम लगे थे बट हमने खाए नहीं, वो तो पता नहीं हुआ है शायद से, किसी की बकरी आई वो खा के चली गई। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।